इसने टच किया उसको। क्या हुआ? वहीं रोक साले में यार। बोट बासेट 100। जब आप Amazon और Flipkart पर इसका रेटिंग देखेंगे ना, exactly ऐसे ही हमको भी लगा था झटका। बट क्या वाकई में ये ईयरफोन इतना अच्छा है? आज के टाइम में जो नए नए ब्रांड के ईयरफोन आ रहे हैं एक वैल्यूएबल प्राइस में विद गुड साउंड क्वालिटी, तो क्या ये अभी भी इन ईयरफोन को टक्कर दे सकता है? क्योंकि अगर यहाँ पर प्राइस की बात की जाए तो इस ईयरफोन का जो प्राइस है वो है 399, यानी 400 रुपए इस ईयरफोन का प्राइस है, और 400 रुपए में आपको और भी कई सारे अच्छे अच्छे ईयरफोन मिल जा रहे हैं। बट आइए देखते हैं, ईयरफोन का डिजाइन जो है वो काफी अलग है। इसे देखने के बाद एक चीज याद आता है, ये क्योंकि इसके पीछे भी ना उसी तरह से निकला हुआ है। ईयरबड्स जो है वो प्लास्टिक का है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस ईयरबड्स का जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक है। दूसरी बात, ये जो ईयरफोन है ये काफी लाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोट की ब्रांडिंग की हुई है, एक सिंगल बटन दिखेगा और यहाँ पर एक माइक दिखेगा। माइक में इन बिल्ड नॉइस आइसोलेशन फीचर भी है। इसके वायर क्वालिटी की बात की जाए तो वायर जो है वो काफी मोटा है लेकिन सॉफ्ट है। इसमें आपको सिल्वर प्लेटेड 3.5mm जैक दिया गया है। बाकी ये जो ईयरफोन है ये नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है, और इस ईयरफोन में आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको 10mm का डायनेमिक ड्राइवर भी दिया गया है। अब कंपनी इसमें करती है सुपर एक्स्ट्रा बेस। यहाँ पर ये जो बटन है इसका फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो प्ले पॉज म्यूजिक आंसर कॉल एंड कॉल ऐसा कुछ है। डबल क्लिक करके आप ट्रैक को जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक करके जो ट्रैक है उसको बैकवर्ड कर सकते हैं। बाकी इसके ईयरबड्स के कंफर्ट की बात करें तो कान में लगाने पर जो है वो पेन नहीं होता है। बहुत सारे ईयरफोन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो हल्का हल्का पेन होने लगता है ज्यादा देर अगर यूज करते हैं, बट इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा। बाकी जो इसके साथ ईयर पीस दिया गया है वो आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको सुटेबल लगे। अब देखिए, जितना भी हम रिव्यू करते हैं ना ईयरफोन का, उसमें एक बात कहते हैं, वो जैसा भी है चलो ठीक है, हम थोड़ा सा कम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है तो फिर ईयरफोन बेकार है, क्योंकि साउंड के साथ हम कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो क्या इस ईयरफोन का साउंड क्वालिटी अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं, आइए जानते हैं। अब इस ईयरफोन के साउंड क्वालिटी को मैं 3-4 चीजों के बेसिस पर जज करने वाला हूँ। फर्स्ट है लाउडनेस। तो इस ईयरफोन में आपको ज्यादा लाउडनेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे वॉल्यूम आपका 70% पे रहेगा तो सही है, 80% पे भी जाएगा तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लाउड हो गया है, हर्ट कर रहा है आपके कान को, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप Amazon प्राइम पर स्ट्रीमिंग वगैरह करेंगे तो वहां पर आपको इस ईयरफोन में जो साउंड जो है वो थोड़ा कम लगेगा, जब आप 70-75% पर इसका वॉल्यूम रखते हैं तो। दूसरा है ट्रिबल। अब ट्रिबल जो है इस ईयरफोन में मुझे काफी अच्छा लगा। जब मैं गेमिंग कर रहा था तो वहां पर जो फुटप्रिंट वगैरह है वो काफी क्लियर आ रहा था। जो गेमिंग कैटेगरी होता है वहां पर जो ट्रिबल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी अगर म्यूजिक वगैरह की बात की जाए तो उसमें भी जो ट्रिबल है वो आपको अच्छा मिल जाता है। तीसरा है बेस, जो कि कंपनी कहती है कि इस ईयरफोन में आपको सुपर एक्स्ट्रा बेस जो है देखने को मिलेगा। इस ईयरफोन में आपको जो बेस है वो एक्स्ट्रा लेवल का बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। पर्टिकुलर क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम इस ईयरफोन को यूज करेंगे, आप कोई भी ईयरफोन यूज नहीं कर रहे या फिर कोई थर्ड क्लास वाला ईयरफोन जो है वो यूज कर रहे हैं, 100-150 या फिर 50 रुपए वाला जो ईयरफोन आता है वो यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो है और इसमें जो है आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, तो इसका साउंड क्वालिटी इसमें जो बेस है वो आपको ज्यादा लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई बढ़िया ईयरफोन यूज कर रहे हैं और उससे जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस ईयरफोन में जो है वो आपको एक्स्ट्रा बेस, एक्स्ट्रा लेवल वाला जो सुपर बेस कहा जा रहा है वो नहीं है। ठीक है ना, बेस है लेकिन इतना बिल्कुल भी नहीं है कि इसे हम कहें कि नहीं बेस जो है वो कमाल का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात, इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मैंने एक डिवाइस में नहीं बल्कि 3-4 डिवाइस में टेस्ट किया है, और हर डिवाइस में जो साउंड का आउटपुट है वो डिफरेंट मिला है। किसी में बेस जो है वो अच्छा मिला, किसी में बेस जो है वो कम मिला, किसी में लाउडनेस जो है वो थोड़ा बेटर मिला है एज कम्पेयर टू जो मैं बता रहा था। और जब यहाँ पर बेस की बात आती है तो दो चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक है हाई नोट और एक है लो नोट। तो हाई नोट पे ये बिल्कुल सही से काम नहीं करता है, बट वहीं पर अगर लो नोट की बात की जाए तो वहां पर ये बेटर परफॉर्म करता है। अब देखिए, एक चीज यहाँ पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये जो साउंड है ये होता है सब्जेक्टिव। हो सकता है कि मुझे इसमें बेस जो है वो सही नहीं लग रहा हो, लेकिन किसी और को जो है इस ईयरफोन का बेस जो है वो अच्छा लग रहा हो, किसी और को कुछ अच्छा लग रहा हो, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। और यही चीज जानने के लिए मैंने इस ईयरफोन को 4-5 लोगों को दिया यूज करने के लिए कि बताओ भैया कैसा आपको मिल रहा है इसका साउंड क्वालिटी। एंड देन उसके बाद फिर जो उनका आउटपुट था उसके बेसिस पर जो है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इसमें साउंड क्वालिटी आपको कैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके माइक क्वालिटी की, तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे, आप खुद सुन लीजिए। हेलो, हाँ प्रणाम, कहाँ है? भागलपुर में किया? नहीं तो घर पे। बोलिए बोलिए, क्या कर रहे हैं? कुछ ना, मम्मी से बात कर रहे थे। कहाँ है? भागलपुर में। हाँ,
तो ओवरऑल सारी चीज को देखने के बाद क्या ये वाकई में अभी के टाइम ये ईयरफोन अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं करता है, क्या अभी के टाइम ये ईयरफोन लेना सही होगा या फिर नहीं होगा, तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इस प्राइस रेंज में और भी कई सारे ब्रांड के ईयरफोन है जहां पे आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिल जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस ईयरफोन का साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं है। इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी सही है, बट बेटर की बात की जाए तो बेटर नहीं है अकॉर्डिंग टू प्राइस। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आ जाती है वो है सर्विस। अब जो अदर ब्रांड के ईयरफोन है उनमें आपने एक चीज देखा होगा, अगर वायर वगैरह डैमेज हो जाता है या फिर एक साइड के ईयरफोन से कम आवाज आ रहा है, एक से ज्यादा आवाज आ रहा है, तो वहां पर हमें समझ में नहीं आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये ईयरफोन तो मेरा बेकार हो गया, ऐसा कुछ होता है। बट इस ईयरफोन में आपको एक साल की वारंटी मिलती है, और जब आप वारंटी क्लेम करते हैं तो ये जो ईयरफोन है ये आपका रिप्लेस होकर आता है, तो हाँ मुझे लगता है कि ये एक वैल्यूएबल डील है हमारे लिए। बाय द वे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप ये ईयरफोन परचेस करना चाहते हैं तो मैंने बेस्ट बाइंग लिंक दिया है, आप खरीद सकते हैं उस लिंक पर क्लिक करके। बाकी आप अगर इस ईयरफोन को यूज कर रहे हैं तो आप अपना भी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल, समझ गए ना, समझदार हैं आप लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।